और इन्वायरमेंटल साइंसेस के फ्री लेक्चर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने तीन दोस्तों के साथ इस वीडियो को गुरुदक्षिणा के तौर पर जरूर शेयर करें क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स और कंडीशन प्ले अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द स्टेट्रोस्फेयर इनमें से कौन से रसायन या ऐसी स्थितियां हैं जो स्टेट्रोस्फेयर में ओजोन होल का कारण बनती है तो क्लोराइड एंड ब्रोमाइड फ्री रेडिकल्स इन द दोसफेयर यस सनलाइट यस क्योंकि जो ओजोन होल का जो ओजोन डिप्रेशन का जो रिएक्शन होता है वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन तो सनलाइट भी चाहिए होता है और फ्री रेडिकल्स भी चाहिए होते हैं टिनी आइस क्रिस्टल्स यस क्योंकि पोल्स के पास टिनी आइस क्रिस्टल होते हैं हवा में और उस जो टिनी आइस क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे उसके सरफेस पे ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है ठीक है तो डी ऑल ऑफ ये सभी कुछ चाहिए होता है ओजोन ओजोन के के लिए या के लिए या होल फॉर्मेशन में तो इसका आंसर होगा इस से कौन सा क्लोरोबन का सब्सिट्यूट है आसान सवाल है एच एफ सी या हाइड्रोफ्लोरोबन ओडीएस का फॉर्म होता है ओजोन तो ये नहीं होगा हेलोन्स भी वही होते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड Uh, वाले जो जितने तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल देते हैं उनको हेलॉन्स कहते हैं जो फायर एक्सटिंग में या कूलेंट्स में या रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं तो हेलॉन्स भी नहीं होगा हेलॉन्स और ओडीएस सेम चीज है हाइड्रोफ्लोरोबन जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोबंस का सब्सिट्यूट होता है आंसर होगा ए ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री दिकनेस ऑफ स्टेट्रोस्क ओजोन ड्यू टू ओजोन होल एट द पोल्स इज करंटली तो इस वक्त ओजोन होल की वजह से जो पोल्स पर ओजोन लेयर की थिकनेस है वो कितनी हो गई है सही उत्तर है एक सौ पचास टॉपन यूनिट ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ओजोन होल विटनेस्ड इन द डायमी दो हजार दो हजार छह में ओजोन होल का जो डायमीटर था वो सबसे ज्यादा था तो वो कितना था उन्तीस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उन्नीस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर नौ मिलियन या इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है उन्तीस मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो ये बहुत बड़ा एरिया था जहां पे ओजोन की जो लेयर है वो एकदम पतली हो गई थी ठीक है

उसका so, से नहीं है Protocol, नहीं. है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नहीं जो ये जापान में हुआ था और ये जो है है क्लाइमेट चेंज से संबंधित साइट्स कन्वेंशन कैनेडा में मॉन्ट्रियल में, शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसके तहत क्लोरो को, को इमिट करने वाले सभी तत्व को, फेज आउट करने को बैन करने को कहा गया था तो सही उत्तर है सी क्वेश्चन सिक्स वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटीन सेप्टेंबर ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल ट्वेंटी थर्ड मार्च या फिफ्थ जून तो ट्वेंटी सेकंड अप्रैल जो होता है ना वो वर्ल्ड अर्थ डे है ट्वेंटी थर्ड मार्च जो है वो वर्ल्ड वाटर डे है और फिफ्थ जून तो वर्ल्ड इन्वायमेंट डे है हम सब जानते हैं सिक्सटीन ये मेरा बर्थडे मंथ भी है सेप्टेम्बर में मेरा बर्थडे आता है तो ओजोन डे जो है वो सिक्सटीन सेप्टेबर को मनाया जाता है आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर सेवन ओवर द लाइफ लास्ट फाइव डेकेट्स पिछली पचास दशाब्दियों पांच दशाब्दियों से पांच साल पचास साल से द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ इज़ तो एवरेज औसत जो uh, साल में इंक्रीज है सीओ टू का वो कितना परसेंट है सही उत्तर है जीरो पॉइंट फोर परसेंट आंसर होगा डी क्वेश्चन नंबर एट इन द पास्ट फिफ्टी ईयर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ हैज इंक्रीज बाई अबाउट तो अब जीरो पॉइंट फोर परसेंट वो हर साल इंक्रीज कर रहा है पिछले पचास साल से ठीक है लेकिन पिछले पचास साल में कॉन्सेंट्रेशन सीओ का कितना बढ़ गया है कितना परसेंट बढ़ गया है जो ओरिजिनल था पचास साल पहले उससे पांच परसेंट दस परसेंट ओवर ट्वेंटी परसेंटी फाइव परसेंट सही उत्तर है ओवर ट्वेंटी परसेंट आंसर होगा सी क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड डज अ मैच्योर ट्री रिमूव फ्रॉम द दिपोसफेयर फेर से कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक, एक वयस्क पेड़ हटा देता है या लेता है एक किलो पांच किलो बाईस किलो या पचास किलो सही उत्तर है बाईस किलो. 10. तो अगर सारा जो पोलर आइस कैप्स पे आइस है वो अगर पिघल जाएगा तो कितना परसेंट लैंड एरिया बीस परसेंट दस परसेंट पंद्रह परसेंट बीस परसेंट या तीस परसेंट सही उत्तर है सी बीस परसेंट लैंड एरिया होगा। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा और ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो कम से कम अपने तीन दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए थैंक यू जय हिंद जय